G20 की बैठक को लेकर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से भी तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से साफ कर दिया है कि दिल्ली में 7 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक गुरुवार से किसी भी भारी वाहन को एंट्री नहीं करने दी जाएगी। हालांकि जरूरत के सामान वाली ट्रांसपोर्ट को अनुमति जरूर दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस दूसरी गाड़ियों को गुरुग्राम के इपको चौक से डाइवर्ट कर मेहरोली वाले रास्ते से भेजा जाएगा। गुरुग्राम में बड़ी संख्या में कंपनियां हैं और इसी के चलते इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनकी आवाजाही दिल्ली से गुरुग्राम और गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ होती है। पुलिस की तरफ से MNC कंपनी और कॉरपोरेट ऑफिस के प्रबंधन अधिकारियों से अपील की है कि वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बसें दिल्ली से गुरुग्राम आती हैं, उनके लिए इपको रोड से डाइवर्ट कर मेहरौली में एंट्री दी जाएगी, जिससे वह दिल्ली की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट वाहनों को जैसे कि कार और बाइक की एंट्री पर किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी, लेकिन दिल्ली के अंदर कई रोड्स को डाइवर्ट किया गया है, जिससे ट्रैफिक की समस्या हो सकती है, इसलिए मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। गुरुग्राम पुलिस की तरफ से 7 सितंबर रात 12 बजे से लेकर 10 सितंबर रात 12 बजे तक सभी भारी वाहनों को दिल्ली में एंट्री गुरुग्राम बॉर्डर से नहीं दी जाएगी। दिल्ली में 9-10 तारीख को G20 समिट की मीटिंग है और उसमें जो डेलीगेट्स है वो 8 तारीख को आने शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारा सिरहौल बॉर्डर है दिल्ली से गुड़गांव जाने वाला, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी 8, 9 और 10 तारीख की। 7 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर और 10 तारीख को रात के 12 बजे तक वहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जिसमें जो हैवी व्हीकल है वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा उस पर, एक्सेप्ट एसेंशियल कमोडिटीज, कोई सब्जी दूध पेट्रोल वगैरह जाना है वो गाड़ियाँ दवाइयाँ जानी है वो गाड़ियाँ अलाउड होंगी। अदरवाइज जो नॉर्मल हैवी व्हीकल है या मीडियम गुड्स व्हीकल है वो वहाँ पे अलाउड नहीं होंगे। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट या STA की बसेज हैं वो भी वहाँ से अंदर नहीं जा पाएंगी। उनको जो रास्ता दिया गया है वो इफ्को चौक से MG रोड होके आया नगर होके वो दिल्ली में जा सकती हैं। तो इस संबंध में हमने कंसर्न अधिकारी को लेटर भी लिख दिया कि इन सबको बता दिया जाए। और तीसरा मैं जो आम पब्लिक से कहना चाहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन तारीखों में मेट्रो का यूज़ करें, क्योंकि IGI के बाद बहुत सारे रूट डाइवर्ट किए हुए हैं दिल्ली में, उनको आने जाने में टाइम लग सकता है। अगर कोई एयरपोर्ट भी जाना चाह रहा है तो अपना टाइम गेट ज़्यादा लेके चले, क्योंकि 8 तारीख को सभी डेलीगेट्स एयरपोर्ट से आ रहे होंगे और 10 तारीख को वापिस जा रहे होंगे, तो वहाँ मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, बीच में खुलेगी बंद होगी, इस तरह से चलता रहेगा। तो अपना एक्स्ट्रा टाइम लेके चले ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और एक गुड़गांव के में बहुत सारी MNCs हैं और मैं आपके सबके माध्यम से एक ये भी उनको एडवाइस देना चाहूँगा कि क्योंकि मेन जो फंक्शन है वो 9 और 10 तारीख का है, वो तो सैटरडे संडे है, लेकिन फ्राइडे जिस दिन सभी इनकमिंग है डेलीगेट्स की, उस दिन बहुत दिल्ली में रश होगा, बहुत क्लोज भी होगा वहाँ पर, तो उस दिन को वर्क फ्रॉम होम कोशिश करें, जहाँ तक पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करें। ये सभी एडवाइजरीज हमने कुछ ट्रक यूनियंस को भी भेज दी हैं, RTA GM रोडवेज को भी भेज दी हैं, ताकि सभी को पता चल जाए कि इस तारीख में रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, लेकिन एम्बुलेंस या जो इमरजेंसी चीज़ है वो सब उधर खुली रहेगी। सर, जो प्राइवेट व्हीकल्स है क्या उनकी भी एंट्री हो पाएगी या उनको भी रेस्ट्रिक्शन किया गया है? नहीं, प्राइवेट व्हीकल्स जो कार है मोटरसाइकिल है वो जा सकती हैं, हमारे यहाँ बॉर्डर से अंदर तक जा सकती हैं, लेकिन उन्हें आगे रावतुला राम मार्ग पर उनका डाइवर्ट किया हुआ है कि वो ताकि धोलंगुआ के साइड ना जा पाए, तो उनके रेस्ट्रिक्शंस अपने अंदर रहेंगी, लेकिन कुछ कुछ समय पर जैसे हमारे यहाँ लीला और अबरोई में VIP रुकेंगे, तो जब उनकी मूवमेंट होगी तो चार पाँच मिनट के लिए उस टाइम ट्रैफिक रुकेगा ताकि उनको इजी फ्लो मिल जाए दिल्ली में जाने के लिए। अदरवाइज नॉर्मल व्हीकल के लिए कोई इशू नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि आगे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं नई दिल्ली में, तो और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ मेन जगह है, तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम व्हीकल का प्रयोग करके दिल्ली जाएं, मेट्रो का यूज करें क्योंकि मेट्रो बिल्कुल ओपन है। सर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं, बसें हैं जो जयपुर की तरफ से आती हैं, लॉन्ग रूट की बसें हैं, क्या उनका भी रूट डाइवर्ट करने के लिए कोई सजेशन किया गया है? हाँ, राजस्थान के जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उनको भी मैंने चिट्ठी लिखी है CP साहब की तरफ से, उनको भी ये मैसेज दिया गया कि दिल्ली इधर से अलाउड नहीं है, बाकी साइड से वो जा सकती है। अगर कोई फरीदाबाद होकर धोलागुआ सरायकाले खां जाना चाहता है तो वो जा सकता है, वो ओपन है। ये रिस्ट्रिक्शन हमारे इधर से, क्योंकि हमारे इधर एयरपोर्ट है,
और एयरपोर्ट में मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन है। मतलब किसी भी तरह के जो हैवी व्हीकल्स हैं, सिर्फ जो एसेंशियल सर्विस को यूज करते हैं केवल उनको छोड़कर बाकी सभी तरह के, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे प्राइवेट हो, उन सबको रिस्ट्रिक्शन रहेगी हाईवे से। नहीं, प्राइवेट व्हीकल्स तो अलाउड है, कार वगैरह अलाउड है, लेकिन जो हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं होंगे, बसेस, ट्रक्स, ट्रक्स या आप टाटा 400 फोर व्हीलर टाइप के हैं, जो गुड्स व्हीकल है जो एसेंशियल कमोडिटी में नहीं है वो अलाउ नहीं। तो सर पर्सनल व्हीकल्स को चेकिंग का भी जो प्रक्रिया रहेगी उस दौरान, या फिर सामान्य तौर से जाना? नहीं, नॉर्मली तौर पे जाएंगे, जैसे नॉर्मल सब चल रहे हैं वैसे ही जाएंगे, लेकिन जो वो मूवमेंट का टाइम होगा उस समय कुछ समय के लिए ट्रैफिक रुक। सर फ्राइडे के लिए क्या सभी एमएनसीज को गुरुग्राम पुलिस ने लिख दिया है या केवल आप मीडिया के माध्यम से होंगे? हमने डीसी साहब को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी तरफ से उनसे रिक्वेस्ट एडवाइजरी जारी। सर ताऊ से आने जाने वाले लोगों के लिए भी कुछ प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि मेवात एरिया को काफी पास करता है? नहीं, व्हीकल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हमारी तरफ से। सर आईटीसी ग्रैंड भारत में भी बता रहे हैं कि वहाँ भी कुछ कार्यक्रम होने हैं, डेलीगेट्स आने हैं, तो उधर के लिए भी कुछ चेंजेस किए? जो वहाँ का प्रोग्राम है वो 3 से 7 तारीख तक का है, और वो अलग अलग समय पर जो वीआईपीज है यहाँ हाईवे से निकलते रहेंगे, उसमें कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन हमारी तरफ से नहीं है, नॉर्मल ट्रैफिक चलता रहेगा। एक कंफ्यूजन सर लोगों में काफी हो रहा है कि दिल्ली में जब ये कार्यक्रम होना है तो लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी कई इलाकों में, दिल्ली में बाहरी लोगों का एंट्री जो है वो बैन की जाएगी उस एरिया में स्पेशली, क्या गुरुग्राम वासियों को अगर आसान भाषा में समझाएं कि क्या गुरुग्राम में भी लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी, लोग पब्लिक अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनका इस्तेमाल करें या ना करें? जैसा आपने बताया कि जो बसें होंगी उनको भी मेन हाईवे से एंट्री नहीं होगी, उनको भी रूट उनका भी डाइवर्ट किया गया है, तो गुरुग्राम की स्थिति कैसी होगी? गुरुग्राम में इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन या सिर्फ केवल बॉर्डर एरिया तक ही रेस्ट्रिक्शन से? गुरुग्राम के अंदर किसी को आना जाना है हमारी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है उनके लिए, वो आ जा सकते हैं। मेन जो मेरा मैसेज है उनके लिए कि जिनको सिरहोल बॉर्डर या कापसेड़ा बॉर्डर से दिल्ली की ओर जाना है उनको वो मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई आया नगर होकर दिल्ली जाना चाहता है तो हमारी तरफ से वो अलाउड है। सर जब भी वीआईपी मूवमेंट होती है तो ज्यादातर हमारा ये देखना हुआ है कि आपका फोकस एक तरफ हो जाता है, तो पुराने शहर में भी आपकी स्थिति तो बनी रहेगी ना ट्रैफिक की? मतलब ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आई